Assalamualaikum. आज मैं बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी रमजान स्पेशल स्नैक, जिसके लिए मैं ले रही हूँ 200 ग्राम श्रेडेड चिकन। चिकन में मैं ऑयल, नमक, काली मिर्ची और अदरक लहसुन पेस्ट डाल के अच्छे से कुक कर ली। ठंडा होने के बाद इसे इस तरह से श्रेड कर ली। अब इसमें हम नमक डालेंगे, काली मिर्ची पाउडर। चिकन कुक करते हुए मैं नमक काली मिर्ची डाली थी, इसीलिए मैं नमक और काली मिर्ची थोड़ी डाल रही हूँ। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टेबल स्पून चाट मसाला, 1 टेबल स्पून नींबू का जूस, 1/2 कप बॉईल किया हुआ आलू, बारीक कटी हुई कोथमीर। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हाथ में हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसके बॉल्स बना लेंगे। इस तरह के सारे बॉल्स मैं बना ली। आप चाहो तो इसे फ्रीजर में 1 वीक के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। अब हमें चाहिए क्रश किए हुए कॉर्नफ्लेक्स, 1 अंडा, अंडे में थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ी सी काली मिर्ची पाउडर, कोथमीर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब चिकन बॉल्स को हम अंडे में डिप करेंगे। अब कॉर्नफ्लेक्स से कोट कर लेंगे। दोबारा से अंडे में डिप करेंगे। कॉर्नफ्लेक्स से कोट कर लेंगे। इसी तरह से हम चिकन बॉल्स को अंडे में डिप करेंगे और कॉर्नफ्लेक्स से कोट कर लेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। ऑयल को मैं ऑलरेडी गर्म कर चुकी हूँ, इसमें हम चिकन बॉल्स डालेंगे और गोल्डन वे तक फ्राई कर लेंगे। चिकन बॉल्स फ्राई हो गए, इसे हम निकाल लेंगे। इसी तरह से हम दूसरे चिकन बॉल्स भी फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह, बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी रमजान स्पेशल चिकन बॉल्स रेडी है। वीडियो को पसंद नहीं हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।